आगामी छठ पर्व के दृष्टिगत नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने गुरुवार को राप्ती नदी स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर नगर निगम द्वारा साफ सफाई कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि गुरु गोरक्षनाथ घाट और राम घाट बरसात के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह से डूब गया था, जिससे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिट्टी एवं कीचड़ जमा हो गया है, जिसे पोकलेन या जेसीबी लगाकर हर हाल में मिट्टी को हटवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व पर लोगों की सुरक्षा के लिए दोनों घाटों पर पानी के अंदर बैरिकेडिंग कराने के लिए जोनल अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा राम घाट एवं गोरखनाथ घाट पर श्रद्धालुओं के लिए लाइट की समुचित व्यवस्था कराने के लिए सहायक अभियंता पथ प्रकाश को भी निर्देशित किया गया है। नगर निगम द्वारा छठ पर्व पर श्रद्धालुओं की पूजा के लिए तीन स्थानों पर राम घाट, गोरखनाथ घाट एवं लाल डिग्गी पार्क को तैयार किया जा रहा है, जहां पर लोग आकर छठ पूजा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन घाटों को रंग बिरंगे कपड़े एवं लाइटों से पूरी तरह सजाया जाएगा तथा नगर निगम का पूरा प्रयास रहेगा कि यहां पर आए भक्तजनों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस अवसर पर उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, जोनल अधिकारी एनडी पांडे एवं पार्षद संजय श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, देखिए उसे हरी लाल वो नहीं बोल रहे थे कि हम अकल बगल के जून से भी बुला लेते हैं, तो आप भी बुलाइए क्या, एकदम भारत पाकिस्तान बना रखा है क्या? दस बजे के बाद बोला गया कि नहीं, लाल डिग्गी किसका पड़ेगा? लाल डिग्गी नहीं तो हाँ जी नहीं तो लाल डिग्गी वहाँ के और लोगों को बुलाओ, इससे सटा हुआ जोन किसका किसका है? अकेला ही देखो झाड़ू लगा रहा तब से। हेलो जैसा कि आपके संज्ञान में है कि 28 तारीख से जो छठ का पर्व है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी और गोरखपुर शहर में, गोरखपुर जनपद में जो ये छठ का पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पिछले दो वर्षों में कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की कुछ जो एक धार्मिक भावनाएं थी वो कई पूरी तरह से संतृप्त नहीं हो पाई। इस बार जो देखने में आ रहा है कि जितने भी त्यौहार पड़ रहे हैं, चाहे वो विजयदशमी का त्यौहार रहा हो, दीपावली का त्यौहार रहा हो, गोवर्धन पूजा रही, लोग अपने पूरे हर्षोल्लास और उमंग के साथ उस त्यौहार को मना रहे हैं और उसी की तरह से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जो छठ का पर्व है इस बार का जो पर्व है ऐतिहासिक तरीके से मनाया जाए। आज हमारे यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित पार्षद जी संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, जो हमारे नोडल ऑफिसर एक्सीएन पांडे जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद, पूरी टीम यहाँ पर है और हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारी सभी लोग माताएं बहनें अपने परिवार के साथ यहाँ पर छठ का पर्व मनाने आएंगे जो कि 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक चलेगा, तो हम लोग नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई असुविधा किसी को ना होने पाए। ये बात जरूर है
कि चूंकि इस बार एक कह सकते हैं कि दीपावली के सीजन तक जो बाढ़ रही है उसकी वजह से नगर निगम का काम काफ़ी टफ हो गया है, लेकिन नगर निगम के सारे सफाई कर्मचारी और जितने भी हमारे इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग हैं पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और इसको निश्चित रूप से उनको कल जो हम लोगों ने बैठक किया था 28 तारीख की शाम तक ये कोशिश था कि पूरी तरह से इसको हम लोग तैयार कर लें तो निश्चित रूप से इसकी तैयारी हो जाएगी और हम सभी लोग मिलकर पूरे धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर जो यहाँ छठ पर्व है उसको मनाएंगे। सर घाट को किस तरह सजाया जाएगा? देखिए पूरे घाटों को अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रंग बिरंगी जो लाइटें हैं उनसे सजाया जाए, एक भव्य गेट बनाया जाए, साथ साथ यहाँ पर चारों उसके घाट के किनारे बैरिकेडिंग कर दी जाए जिसके इसमें लिखा रहेगा कि उसके आगे आपको नहीं जाना है। तो ये सफाई चूने और उसका बाकी जो जहाँ पानी उतरा है चूना और मेल्थियन के घोल का छिड़काव होगा, लगातार फॉगिंग होती रहेगी जिससे किसी प्रकार लाइटिंग पूरी ज़बरदस्त यहाँ पे लाइटिंग रहेगी और लाइटिंग ऐसी व्यवस्था रहेगी कि लोग जो घाट के किनारे भी पूरी तरह से प्रकाश रहेगा जिससे कि अर्ली मॉर्निंग और रात के समय जो लोग यहाँ पाएंगे उन भक्तजनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए।